सबसे पहले पहले लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन ये इंट्रोडक्टिव सेशन रहेगा, क्योंकि पहले जब तक हम जिंदगी को समझ नहीं पाते हैं, वी कैन नॉट ट्रांसफॉर्म इट व्हाट लाइफ इज। यस बताइए, कौन बताए मुझे व्हाट लाइफ, क्या समझते हैं आप जिंदगी क्या है, व्हाट लाइफ इज? लाइफ इज अ जर्नी। यस प्लीज मनीषा, व्हाट यू फील लाइफ? Somebody told me, fight किसने कहा था? Fight, life is to fight. Yes, life अपना अपना नजरिया है ना, nothing wrong in that. वही transform करना है. See what your perspective of what life is. You'll come out with that. Yes, please now. जीवन एक अवसर है अपने आप को और आगे बढ़ाने के. बढ़ाने. Life is a chance to take you ahead in life. Yes. It's a challenge. Life is a challenge. Wonderful. Opportunity. Opportunity है, ये मौका है। Yes. Life में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी कर नहीं सकते हैं, अंदर ही अंदर वो रह जाता है कि मैं कैसे बोलूं, किसको बोलूं, समझ में नहीं आता है। You don't know what to say. Life is where we can't express what we want. She wants to say. Yes, Anjali, what do you feel? What the life is? Somebody said it is a game. We want a true friend who can explain us. Yes. Life बहुत बहुमूल्य है, उसके हर पल को हमको जीना। Beautiful. ज़िंदगी, life is very important. We have to live the every moment of it, right? जो सवाल जो मैं आपको आंसर देने वाला हूँ, वहां तक अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। तीन चार आंसर्स आई विल गिव यू व्हाट लाइफ इज। ह्यूमन लाइफ इज अ अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज योरसेल्फ। अपने आप को जानने का एक बेहतरीन मौका देती है जिंदगी, उसका नाम है जिंदगी। यस। और आत्मा का परमात्मा से मिलाप करने का यही एक मौका है। द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू कनेक्ट द कॉन्शियसनेस टू द सुपर कॉन्शियसनेस। दीपक चोपड़ा की जो बहुत सुंदर किताब है सेवन स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस, उसमें एक लॉ इसी पर उन्होंने जिक्र किया है, द पर्पज ऑफ लाइफ इज टू नो दाई सेल्फ। अपने आप को जानो, एक्सप्लोर द डिविनिटी विद इन। हम जब अपने आप को जान लेते हैं तो अपने अंदर जो दैवत्व है, द रियलिटी है, द डिवाइन एसेंस है, उसको हम एक्सप्लोर करते हैं। ये बेसिकली द वेरी ब्यूटिफुल ह्यूमन बींग्स ऑन दिस अर्थ। आज सारे सेमिनार में हम देखेंगे हम क्या हैं और हम क्या समझ कर बैठे हैं। और फिर उसने कहा है, गिव इट टू द वर्ल्ड अराउंड यू, बांटो उसको जिंदगी, जानो हु यू आर। वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द एवर एवर। हम हमेशा ही एक कॉन्शियंट बींग है जो अमर है, अजर है, अविनाशी है, चैतन्य है, दिव्य है। यस एनीबडी एल्स? अभी तक जो तीन चार डेफिनेशन मैं दूंगा वहां तक कोई नहीं पहुंचा है। एनीबडी एल्स? यस। मतलब पाना और देना। पाना और देना, गिविंग एंड रिसीविंग। लाइफ इज मैजिक, हु बिलीव दिस। जिंदगी में चमत्कार होते हैं, वही आज हम सीखेंगे। लाइफ इज मैजिक, लाइफ इज मिरेकल। जिंदगी वो नहीं है जो हम पा रहे हैं, जो हम देख रहे हैं। जिंदगी वो है जो हम चुन रहे हैं। जिंदगी का हर क्षण हमारे सामने क्या लेकर आ रहा है, वो मेरी जिंदगी नहीं है। दैट्स नॉट माई लाइफ। माई लाइफ इज टू चूज वॉट इट इज गिवन मी। आगे हम देखेंगे स्क्रीन पर, लाइफ इज ओनली 10% टू यू। कितनी भी बड़ी वारदात, कितनी बड़ी समस्या, कितना बड़ा इवेंट आ जाए लाइफ का, या फिर कोई भी बात हो जाए, वो सिर्फ आपके लिए 10% ही होती है। लेकिन हम उसको कैसे लेते हैं, हाउ वी टेक इट, दैट इज अवर लाइफ। 90% व्हाट वी मेक आउट ऑफ इट इज अवर लाइफ, 10% ओनली लाइफ गिव्स टू अस। सो